जय सियाराम, जय सीताराम। ऐसे ही मैं अभी ये जो जोर जोर से बोल रहा हूँ, अभी अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, कोशिश करता हूँ ऊपर ले जाता हूँ। मैं हनुमान जी के ध्वजा के नीचे खड़ा हूँ, ये दिख रहे होंगे शायद ऊपर झूल रहे हुए चंद्रमा के ऊपर। ये जो चंद्रमा बिल्कुल धीरे धीरे बीच पे छुप जा रहा है, ये ध्वजा है, झूल रही हैं अभी आकाश में। ये हनुमान जी की ध्वजा है, इसके नीचे खड़ा हूँ इसलिए थोड़ा सा अभी फिर दिखती हैं, झूल रही हैं चंद्रमा पे। ऊपर चंद्रमा है, बहुत अच्छा यहाँ पर मौसम है। अभी मौसम तो अच्छा ये है कि ठंडा बहुत है, बस बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। इसीलिए जय सियाराम बोलने का मतलब ये था कि अभी हनुमान जी की ध्वजा के नीचे हैं। आज मंगलवार भी है और हनुमान जी की याद आ गई एकदम बात करते करते कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब प्रभु श्री राम जी का अनन्य सेवक और भक्त जो हनुमान जी वारा जी हैं, उनसे हम प्रेरित हो जाएं तो बहुत अच्छा सरल मार्ग है कि भगवत नाम सुमिरन जाप किया जाए। सच में हरि नाम सुमिरन करने से बड़े बड़े शास्त्र और महापुरुषों ने वर्णन किया है कि हमारा योग भी सफल होता है, हमारी भक्ति भी, हमारा ध्यान भी, और हमारा जो भी कार्य है वो सारे सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमत से ही सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत वलवीरा। हनुमत से ही सर्व सुख करे और देवता चित्त न धरे। में बहुत बड़े बड़े वर्णन आए हैं। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अभी चर्चा हो रही थी कि रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया गया है, ये 750 वर्ष पहले रामचरितमानस का वर्णन हुआ है। और आजकल के अडंबर तो वहां उस वक्त थे भी नहीं, लेकिन अगर थे भी तो वास्तविक सत्य ही थे, अडंबर नहीं थे। तो वास्तविक सत्य तो आज गौण हो गए हैं, सब समाप्त हो गए हैं, किसी को पता ही कुछ नहीं है। बस एक बात तो ये पक्की सिद्ध हो गई कि प्रभु का नाम सुमिरन जो है, जाप जो है, राम है, कृष्ण है, नारायण है, गोविंद है, मुरारी है, वासुदेव है, गोपाल है, ऐसे ही हर प्रकार से प्रभु का सुमिरन जो जाप नाम है वो तो अखंड अनवरत आज भी यथावत बरकरार है, तो उसका आश्रय लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें आगे पीछे जरूर हुई होंगी, देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार कई पन्ने आगे पीछे हो गए होंगे, कई शास्त्र दोबारा बनाए गए होंगे, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम तो यथावत बरकरार है। श्री राम, जय जय राम। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रभु श्री राम का जाप सतत करते रहते हैं, तो यहाँ पर तो कोई कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे ही श्री हरि का नाम सुमिरन जाप होता रहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अपना कार्य करते रहें, कर्तव्य का पालन करते रहें, कोशिश करें निष्काम कर्म करते हुए इस जगत को अपना अच्छा बेस्ट जिसको कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया समय दे करके और अपना ईमानदारी से कार्य करते हुए और सुमिरन अपनी जीभा से करते रहें। राम राम, राम राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण। ऐसे जो आपका जाप है वो उसका सहारा लें, क्योंकि बारी मथे गृहित होई सिकता ते वरु तेल, वीणु हरि भजन ना भवत रही यह सिद्धांत अपेल। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ऐसे जय जयकार करते हुए, भगवान के जय घोष करते हुए, मतलब सेवा और सुमिरन, सेवा की भावना मन में रखी जाए, जिससे मन पवित्र होता है, निर्मल बुद्धि होती है। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हमें सद्बुद्धि का दान देना। सद्बुद्धि इसीलिए मांगते हैं, बुद्धि नहीं चाहिए हमें, ना 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 ना, सद्बुद्धि चाहिए। बुद्धि मालूम है क्या होती है? अकेली अकेली बुद्धि नशे में होती है। जैसे रथ की चर्चा हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि यही जो शरीर है ये रथ है, और ये जितनी इंद्रियां हमारी ये घोड़े हैं, और मन हमारा लगाम है, बुद्धि हमारी जो है वो सारथी है, और जो मालिक होता है रथ के ऊपर बैठा हुआ वो रथी होता है, उसे आत्मा कहते हैं। तो खाली बुद्धि होगी ना, अगर जिसके हाथ में मन रूपी लगाम है और बुद्धि कभी कभी नशे में हो जाए ना, तो घोड़े इधर उधर भागना शुरू कर सकते हैं, मन उल्टा पुल्टा सोचना विचारने और कुछ करने करवाने में लग जाएगा।
बुद्धि नशे में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का दान मांगते हैं। सद्बुद्धि वो है जो शुद्ध बुद्धि हो, मन को पकड़ करके, लगाम को पकड़ करके और इंद्रियों को सही दिशा में दौड़ाए, और फिर उसके बाद प्रभु के उस महल के अंदर प्रवेश करना है। तो कौन करेगा, कौन करेगा प्रवेश? रथ तो वहीं रह जाएगा, मतलब शरीर, लगाम भी वहीं रह जाएगी घोड़े के साथ, इंद्रियां भी, मतलब सारे घोड़े वहीं रहेंगे, मतलब टोटल मिला के रथ महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो बाहर में ही रहेगा, घोड़े, लगाम और मन, ये रथ है। अब अंदर कौन जाएगा? अंदर सारथी जा सकता है, ये घोड़े नहीं जाते अंदर रनिवास में, अंदर जहां हमारा अंतःपुर है वहां पर तो सिर्फ सारथी जा सकता है, मतलब बुद्धि, कौन सी? सद्बुद्धि, वो जा सकती है। कहते हैं कि भक्ति करते समय बुद्धि वहां तक हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी पहुंच जाए, लेकिन उसे दिखेगा नहीं, बुद्धि को कुछ नहीं दिखता, इसलिए बुद्धि कुछ नहीं बोल सकती, मतलब मन, वाणी, बुद्धि, आंखें, ये सब जितना कुछ भी है इसका वहां पर कहीं भी प्रवेश नहीं है। तो फिर बुद्धि सिर्फ अंदर तक जा तो सकती है, सारथी अंदर तक जा सकता है, लेकिन रानियों को देखने का अधिकार राजा का ही है, सबको नहीं मिल सकता ऐसा सौभाग्य। तो मतलब बुद्धि, मतलब सारथी वापिस आ जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं, वो अंदर तक, अंतःपुर तक जा सकता है लेकिन देख कुछ नहीं सकता, मतलब वाणी का भी विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। तो अनुभव कौन करेगा? बुद्धि जी नहीं, अंतरात्मा, जो हमारा सारथी है, जो हमारा रथी है, जो मालिक है, जो इस रथ पे बैठा हुआ है, वो अंतःपुर में प्रवेश करेगा और वहां पर जाकर के उस परम पिता परमेश्वर का, श्री हरि का दर्शन, अंतर आत्मा जो हमारी है ये वहां पर परमात्मा में मिल सकती है। ये यहाँ पर इस तरह का वर्णन किया गया है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऐसे ही ये संसार की जो हमारे साथ कुछ बंदिशें हैं, कुछ इस प्रकार के आदेश हैं, वो निभाने ही पड़ते हैं, उनसे भागना भी नहीं है और दूर नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है, सिर्फ समझ का फेर है। आपको मालूम होगा, एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूँ, महापुरुषों से सुना था कि नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। अब आप समझने की कोशिश करें, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जो हैं अपनी आंखें फोड़ दीजिए संसार में रह करके, अरे ऐसा नहीं है, ये आंखें देखने के लिए ही मिली हुई हैं। अब क्या देखना है और किस धारणा और भावना से देखना है, ये यहाँ पर समझने की बात है। इस चीज को यहां पर गिनती की जाएगी कि आंखें फोड़ने के लिए नहीं कहा जाता शास्त्रों में। साधु संत महात्मा जितने भी जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुए घरों में, जो चर्चा करते थे हरि सुमिरन की, तो वहां पे ये नहीं कहा जाता था कि आंखें फोड़ लो, जा आंखें बंद करके ऐसे कमरा बंद करो और पट्टियां बांधो और डाल दो 2-4-5 कंबल सिर के ऊपर और बस बैठ जाओ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये आंखें दी ही इसीलिए है, आंखें बंद करने के लिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये आंखें दी हुई हैं, इस संसार को देखो और फिर देख करके कल्पना करो कि ये किसने बनाया होगा। वहां जाने के लिए ये यात्रा है, ये अंतर यात्रा है, हृदय की यात्रा है, अध्यात्म जगत की यात्रा है। इसे सारे जगत को देखो, इसकी पूरी खूबसूरती देखो, नदियां देखो, नाले देखो, पहाड़ देखो, फुलवारियां देखो और हर प्रकार की औषधियां, कितना हरा भरा दिखाई देता है, कितने सुंदर पेड़ लगते हैं जब हवा चलती झूलते। लेकिन इस जगह से हमें अपनी कल्पना करनी है, भगवान के श्री चरणों में मन को लगाना है, अंदर की आंखें खोलते हुए कि हे भगवान, सच में वास्तव में इसे किसने बनाया होगा और वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना आनंदित होने वाला ऐसा तत्व होगा कि उसके साथ अगर जुड़े, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा आदमी कोई अगर हो और उसके साथ सभी लोग दोस्ती करना चाहते हैं, धनवान हो, संपन्न हो, चरित्रवान हो, बुद्धिशाली हो, विवेक हो, श्रद्धावान हो, विश्वास हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो,
सत्य कर्म करता हो, निस्वार्थ सेवा भाव अपने हृदय में धारण करता हो, निस्वार्थ कर्म करता हो इस जगत में रहते हुए, ऐसे मन करता है कि ऐसे व्यक्ति के दर्शन करें, तो ऐसे व्यक्ति के दर्शन करें तो यही यात्रा है, यही है मेडिटेशन, यही है ध्यान, कि हम किसी भी तरह से उसके साथ जुड़ें। हरिओम।